हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का हिंदी परिचय। यहाँ एमएस वर्ड की विंडो, हम कहें कि एमएस वर्ड को लगाने के लिए हमें जाना होता है स्टार्ट बटन पर। अब हमें ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करना होता है। हम चाहें तो स्टार्ट बटन की विंडो से भी हम इसे पेन से भी इसे लगा सकते हैं। हमें यहाँ पर नहीं मिलता है तो हमें जाना होता है ऑल प्रोग्राम के ऑप्शन पर, जिसे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ हमें एक फोल्डर दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसे हम क्लिक करते हैं और इसके अंदर हमें इस पैकेज के सारे एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 को चुना है, जिसे मैं क्लिक करता हूँ और हमारे सामने यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की विंडो ओपन हो जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी फील्ड को क्या कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के विंडो के अंदर हमें अलग अलग तरह की फील्ड्स दिखाई देती हैं, जैसा कि पहले इसके परिचय के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह इसे हम एमएस वर्ड के नाम से भी जानते हैं और यह एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट को ओपन करना, क्रिएट करना, एडिट करना, फॉर्मेटिंग करना एंड प्रिंट आदि करने जैसे कार्य हम कर सकते हैं। एमएस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है और यह एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है, जिसका एक्सटेंशन .docx होता है, जो हमारी फाइल के नाम के पीछे हम देख सकते हैं। एमएस वर्ड अपने पहले संस्करण से अब तक अपने क्षेत्र पर राज करता आ रहा है। हम कहें कि 2007 से इसने मार्केट पर अपनी पकड़ को बनाए रखा है और आज भी लोग इस वर्जन को चलाना पसंद करते हैं। मैंने आपको अभी अभी बताया इसकी ओपन होने की प्रोसेस। अब आगे हम देखते हैं इसके भागों के बारे में जानकारी। एमएस वर्ड में सबसे पहला भाग हम कहें ऑफिस बटन, जो कि यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, एक चमकदार गोल बटन सिल्वर कलर से रहता है। इसके ऊपर अगर हम माउस का पॉइंटर ले जाएं तो यह गोल्डन कलर का होकर चमकने लगता है। इसे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ कमांड्स दिखाई देती हैं, जैसा कि न्यू, ओपन, सेव, सेवर, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज और यहाँ पर रिसेंटली फाइलें, जो डॉक्यूमेंट आपने अभी अभी यूज किए हैं, जिन फाइलों को आपने ओपन किया है वो फाइल यहाँ पर दिखाए जाते हैं और वर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमें मिलते हैं। इसकी सेटिंग के बारे में हम अगर और ज़्यादा जानना चाहें तो इसके अंदर जा सकते हैं और एग्जिट वर्ड से हम इस पूरे प्रोग्राम से बाहर चले जाते हैं। अगला मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारी गैलरी कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर हम उन ऑप्शनों को रख सकते हैं जो हमें ज़्यादातर यूज करने होते हैं, जिनका ज़्यादा हमें काम होता है, उन्हें हम यहाँ पर यूज करते हैं। जैसा कि हम कभी ओपन फाइल, पुरानी फाइल को ओपन करना चाहें तो यहाँ पर ओपन वाला ऑप्शन हम रख लेते हैं। इसे क्लिक करते ही हम उस डैशबोर्ड पर पहुँच जाते हैं जहाँ से हमें फाइल ओपन करना होती है। यह गैलरी को हम रिबन के ऊपर भी रख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमें शो मिनिमाइज द रिबन, शो अबाउट द रिबन वाला ऑप्शन हमें मिलता है, तो रिबन के ऊपर यह पहुँच जाती है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं,
अगर हम इन्हें मोर कमांड्स ऑप्शन के थ्रू देखना चाहें कि जो हमें ऑलरेडी मिलते हैं उन्हें अगर हम रेसेट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर सेव अंडो और रेडो वाला ऑप्शन हमें मिलता है, यही हमेशा रहता है। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ आगे हमें दिखाई दे रहा है इस पट्टी में डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यह टाइटल बार कहलाता है जो कि सबसे ऊपर ऊपर रहता है। टाइटल बार एमएस वर्ड विंडो का सबसे ऊपरी भाग है। इस बार पर वर्ड में बनाई गई फाइल के नाम को दिखाया जाता है। अगर हम इस फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव कर देते हैं तो वह नाम यहाँ पे दिखाया जाएगा। टाइटल बार के दाएं कोने में तीन बटन होते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं विंडोज बटन के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। ये माइनस का निशान हमें दिखाई दे रहा है जिसे हम मिनिमाइज कहते हैं। मिनिमाइज अगर हम इस फाइल को करते हैं तो यह टास्क बार में जाकर छुप जाती है और इसे टास्क बार से वापस क्लिक करके हम दोबारा पा सकते हैं। अगर हम मैक्सिमाइज ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यह बड़ी साइज में हो जाती है और इसे अगर हम मिनिमाइज रिस्टोर डाउन वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं तो यह छोटी साइज में हो जाती है। जैसा कि दोस्तों इस तरह से छोटी होती है फाइल, और कभी हम इसे अगर मैक्सिमाइज करते हैं तो यह अपनी बड़ी साइज में पहुंच जाती है, और इसे अगर मिनिमाइज रिस्टोर डाउन किया जाए तो यह छोटी हो जाती है। और क्लोज वाला जो बटन है इससे हम पूरी तरह से बाहर चले जाएंगे। अगला होता है मेन्यू बार होम इंसर्ट पेज लेआउट रेफरेंस मेलिंग रिव्यू व्यू। यहाँ पर हमें 7 मेन्यू मिले हैं क्योंकि यह 2007 का विंडो वर्जन हम चला रहे हैं जिसके अंदर 7 टैब हमें मिलते हैं। होम टैब के अंदर हम देखते हैं एक बड़ी सी पट्टी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसे हम रिबन के नाम से पुकारते हैं। इस रिबन को हम कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार वाली गैलरी से छुपा सकते हैं और दिखा भी सकते हैं, और चाहे तो मेन्यू बार की जो पट्टी होती है इस पर राइट बटन क्लिक करके मिनिमाइज द रिबन वाला ऑप्शन अगर हम चुनते हैं तो यह छुप जाती है और वापस से वहां से हम इसे दिखा भी सकते हैं। एक और तरीका है दोस्तों, होम के ऊपर हम अगर डबल क्लिक करते हैं माउस से तो भी यह छुप जाती है, और डबल क्लिक करने पर वापस दोबारा से हमारे पास आ जाती है। यहाँ हम कीबोर्ड से कंट्रोल F1 बटन को प्रेस करते हैं तो भी यह छिपा सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। अगला आता है दोस्तों यहाँ पर रूलर, जो कि स्केल हमारे एरियाज को नापती है, मापती है। यहाँ पर हम देखते हैं इस रूलर को हम हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं, जो कि हमें इंचेस में दिखाई दे रही है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने आता है यह वाइट वाला एरिया जिसे हम डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। इसे टेक्स्ट एरिया के नाम से करा जाता है। यही हमारा डॉक्यूमेंट है जहां पर हम जो भी मैटर लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसा कि यह मैंने लिखा दोस्तों, जब भी मैं लिखने जा रहा हूँ या मैंने स्पेल दिया तो यहाँ पर हमें एक कर्सर दिखाई दे रहा है जो कि एक खड़ी वर्टिकल बार शो हो रहा है और हाइड हो रहा है। इसे हम कर्सर के नाम से जानते हैं। यही कर्सर जहाँ पर भी होता है वहीं से हम लिखना स्टार्ट करते हैं और वहीं से लिखा जाता है। अगर हम बात करें कि साइड में हमें स्क्रॉल बटन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्क्रॉल बार, जिससे कि हम पेज को ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम ले जा सकते हैं, और चाहे तो इसकी साइज अगर हम बढ़ा दें स्टेटस बार से, हमने जूम लेवल इसका बढ़ा दिया है तो हमें राइट टू लेफ्ट वाला ऑप्शन भी यहाँ पर शो हो जाता है जिसे हम स्क्रोलिंग कर सकें पेज को।
स्टेटस बार सबसे नीचे हमें दिखाई देती है, जहां से हम देख सकते हैं फाइल का जूम लेवल, जूम परसेंटेज, व्यू शॉर्टकट, कैप्स लॉक आदि ऑप्शन। यहां हमें दिखाई देता है पेज कितने हमें हमारे पास पेज हैं और वर्ड कितने हमने लिखे हुए हैं, यह सारा काउंटिंग हमें यहाँ पर दिखाया जाता है। हम राइट साइड पे देखें, जूम लेवल हमें यहाँ दिखाया जा रहा है 100%। इसका जूम लेवल अगर हम कर देते हैं तो यह 100% में दिखाई देगा। जूम स्लाइडर से भी हम इसकी जूम लेवल को ज्यादा या कम कर सकते हैं। ये था दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का शॉर्ट परिचय।